शेडिंग कॉलेज स्ट्रिक्ट अबाउट द स्टडीज, दे मोर फोकस्ड। स्टोर से कुछ मत लेना भाई, बहुत महंगा है। विल पे $1000 पर मंथ। या एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, यही बोल रहा हूं। हमारे फॉरेस्ट है, इस मेन आदमी की कब्र डाल दी है, अब लाइटें लगाई है। अब भी वॉच दिस वीडियो टिल द Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurika and I hope you all are amazing and doing great. So today I'll be doing campus tour. मुझे सदियाँ हो गई हैं ये बोलते हुए कि मैं कैंपस टूर करूँगी, चाहे भले ही मैंने 4 वीडियोस डाली अपने यूट्यूब चैनल पे, बट उन चारों वीडियोस में मैंने बोला ही बोला है कि मैं कैंपस टूर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कैंपस टूर आएगा। सो फाइनली अब कैंपस टूर आ गया है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव, क्योंकि अभी मेरे इस वीक फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे सेकेंड सेमेस्टर के एंड फाइनली मेरा सेकेंड सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया। बट एनीवेज लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। तो आज मेरे साथ कैंपस टूर करवाने चल रहे हैं ध्रुमिल एंड मीत। सो गाइज, शेरिडन हैज 3 कैंपसेस, डेविस, ट्रफलगर एंड HMC। सो दिस इज डेविस कैंपस विच इज़ इन ब्रैम्पटन एंड we'll be giving you guys some reality checks about Davis campus. Watch this video till the end. मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि Davis campus की अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। तो हमें पता है क्योंकि हम यहाँ पे हैं अभी, तो we know the it's good campus, no doubt. But there are some bad things, bad things about it. But yeah, overall it's good. Yes. तो अभी फिलहाल हम चलते हैं कैंपस का टूर करने। So I'll be starting with the Javing Library. So this is where you can study for your exams and tests, and यहाँ पर personal cabins भी बने होते हैं ताकि students को मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़ने में, एंड यहाँ पर कंप्यूटर्स भी प्रोवाइडेड हैं। दिस इज़ वेयर दे हैव केप्ट द बुक्स। यहाँ पर आपको फिक्शनल बुक्स भी मिल जाएंगी एंड यहाँ पर आपको अपने कोर्स से रिलेटेड बुक्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है कोई कोर्स की बुक ढूँढने में, तो सामने ही लाइब्रेरियन बैठी होती है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। सो दिस वॉज आर फर्स्ट फ्लोर। मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ क्वाइट जोन। एंड इधर स्टेयर से ऊपर चढ़ के वी हैव आर फर्स्ट फ्लोर। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आर लाइब्रेरी, एंड ये लाइब्रेरी कम ये चिल जोन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिल कर सकते हो। सो दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर ऑफ आर लाइब्रेरी। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर आपको बहुत शांति मिलेगी, एंड यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की तरह पर्सनल कैबिन्स भी बने हुए हैं अगर आपको अकेले में पढ़ाई करनी है, और अगर आपको ग्रुप्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर स्टडी रूम्स भी बने हुए हैं ताकि आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और ग्रुप मेट्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो। सो जेविंग की लाइब्रेरी से निकलते ही वी हैव टिम हॉर्टन्स, and one Tim Hortons is here and one is in Jeving, which I'll show you later. So this was starting of Jeving and abhi hum H wing ke andar ja rahe hain. This is the entrance of H wing. Yahan par meri first semester mein marketing ki class hoti thi, wahan andar jaake एच विंग में वैसे इतना कुछ खास है नहीं दिखाने लायक, मतलब यही यहाँ से वहाँ से यहाँ तक एच विंग है एंड विंग ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मेनली क्लासेस वगैरह हैं और कुछ इतना खास नहीं है। एंट्रिंग स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर में एंटर होते ही यहाँ पे पहले तो हमारे पास ब्रून कॉफ़ी हाउस है। Thank you.
एंड देन वी हैव बूस्टर जूस. So this is a place called The Den where you can hang out and chill with your friends and grab a bite to eat. And यहाँ पर अभी कुछ time से construction चल रही है, इसलिए मैं आपको भी दिखा नहीं सकती हूँ इस video में. This is kind of fun zone. Like यहाँ पे बहुत बहुत सारे time karaoke होता है. Like इधर सब table tennis भी खेलने आते हैं. और like एंड यहाँ पे मेरे को याद है कि जब मैचेस वगैरह चल रहे थे तो मैच वगैरह भी देखने आते थे एंड बहुत अच्छा माहौल होता था. एंड यहाँ पर फ्राइडेज को पार्टी भी होती है. तो अभी तो ये रेगुलरली होता है इधर, लाइक एवरीवन कैन सी हियर. सो अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट जैसे कंस्ट्रक्शन ओवर होगी तो आई शो यू गाइस अगेन. So this is the access to BNC wing. Hey. So here we have food court, athletic center, and this is a sitting area. यहाँ पे बहुत cool vibes आती हैं. And नीचे food court area है. यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिल कर सकते हो. यहाँ से कॉल मिलती है 50 यूरो 50 सेंट सॉरी कॉल मिलाने के. हाँ मिला सकते हैं गाइस, आप कॉल भी कर सकते हो 911. बर्गर ने जबरदस्ती वीडियो बना के मेरा समबडी हेल्प. So this is the office of the registrar and next to it we have Center for Student Success. You can go in there and ask anything you wanna ask related to your subject or your course. So in Weaving we also have the Center of Student Success. यहाँ पर आपको basically अगर आप को किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस चाहिए, अपने कोर्स के लिए एडवाइस चाहिए, किसी सब्जेक्ट के लिए एडवाइस चाहिए, तो यहाँ पर आपको एडवाइस बहुत अच्छी मिल सकती है. आप इनसे जाके कंसल्ट कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो और वो आपको एडवाइस कर देंगे अच्छा खासा. और वी हैव ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, वहाँ पे आपको लाइक किसी भी कोर्स में लाइक एनरोलमेंट आप नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट का तो वो हेल्प आपको वहाँ पे मिल जाएगी. लाइक आपको कोई सा भी लाइक किसी भी टाइमिंग पे चाहिए आपको तो वो कोई भी टाइम पे आपको कोर्स एनरोल कर पा. सो हमने वैसे हवा बहुत चल रही है. लेकिन एक सेकेंड तुझे देखा तो ये जाना सनम. तो वैसे मैंने जेविंग से स्टार्ट किया था बट हमारी जो मेन एंट्रेंस है कॉलेज की वो यहाँ से है एंड मैं आपको एंट्रेंस भी दिखा देती हूँ. इधर से वी एंटर द बिल्डिंग एंड हियर इज द रिसेप्शन एंड ये वही बिल्डिंग आ गई है जो मैंने अभी आपको दिखाई. बीविंग ही है बट मेन एंट्रेंस इसकी हमारे कॉलेज की यहाँ से. सो यहाँ पे वी हैव फूड कोर्ट एंड बुक स्टोर एज वेल. यहाँ का बुक स्टोर एडवाइस नंबर वन, बुक स्टोर से कुछ मत लेना भाई, बहुत महंगा है. बहुत प्राइस देखने आपको चलो चलो क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर भी लेते हो वैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसे हमारे कोर्स में यूज हुआ था तो स्टेपल्स में वो $40 का बट था बट यहाँ पर $80 का तो आप डिफरेंस देखते हो.
कुमार भाई हमारे बुक स्टोर में लाइक चिप्स क्रिप्स और लाइक पानी की बोतल कोक सब मिलता है, आइसक्रीम मिलती है। दिस इज द बुक स्टोर। यहाँ पर बुक स्टोर में आपको टॉयज भी मिलेंगे, नाइस बैग्स भी मिलेंगे एंड बुक्स तो ऑफ कोर्स मिलेंगी, बट यहाँ से लेना मत। अगर आपको ऑप्शन मिलती है कि आप ऑनलाइन बुक्स ई बुक ले सकते हो या फिजिकल बुक ले सकते हो तो गो फॉर ई बुक, क्योंकि ई बुक सस्ती होती है एज कम्पेयर टू फिजिकल बुक, और यहाँ बुक स्टोर से तो और भी ज़्यादा महंगी मिलती है। And here is our food court. Where you can sit and have lunch. We have pizza in our food court. Now we are entering in Sea Wing. Sea Wing mein we also have Tim Hortons. We have two Tim Hortons in our college. Ek to J Wing mein hai aur ek Sea Wing mein hai. And from here we'll be entering A Wing. A Wing में अलग ही वाइब है। यहाँ पे सारे पटने वाले यहाँ पर बहुत अलग माहौल है दिखाते। यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक अलग जगह पे आ गए हैं, क्योंकि जे विंग का माहौल बिल्कुल अलग है एंड ए विंग का माहौल बिल्कुल ही अलग है। सो आई लाइक ए विंग मोर। दिस इज द लाइब्रेरी ऑफ ए विंग। आर कॉलेज इज ह्यूज। यहाँ हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस का सब्जेक्ट था, तो उसमें हमें एक स्कैवेंजर हंट एक्टिविटी करवाई थी हमारे प्रोफेसर ने। उसमें उन्होंने ना हमें क्वेश्चन दे दिए थे कि सी विंग में क्या क्या है, या ऑफिस रजिस्ट्रार कौन सी बिल्डिंग में है, फूड कोर्ट कौन सी बिल्डिंग में है, क्या रूम नंबर है। तो उससे हमें सारी चीज़ें देखने को मिल गई थी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। सो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, जिसे हमने पूरा कॉलेज एक्सप्लोर भी कर लिया था। सो ये स्टूडेंट रेजिडेंस है ए विंग के बिल्कुल पीछे। Student residence is nice for the international students, like not Indian especially, but the other international students. Indians ke liye? Have you seen the currency exchange rate? You'll pay $1,000 per month. Yeah. Yeah, so it's also nice because like इधर ये nature की जो बहुत नीचे हमारे forest है। And residency में mess वगैरह भी है या कुछ? नहीं। नहीं? खरीदना पड़ता है। Food packet will be $1,000 per month. Yeah. But yeah, it's pretty costly. Yeah. The vending machine is where you can get cheap food, but you know, vending machine. So we have come to Athletics and Recreation Center, which is in Sea Wing, and here is our mascot, Bruno the Bear. She's also called Bruin. Yeah. And here is the gym. हमारे कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बट उन्होंने अभी हमें वीडियो लेने दी है, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस इज द लेक एट द बैक ऑफ आवर कॉलेज।
there is also sitting here, so you can have a chill here. Hey. December 6, 1999 एंड हम जब आए थे तो हमें ये लगा था कि यहाँ पे मतलब किसी आदमी की कब्र डाली है, लाइटें लगाई है। सो एज आई टोल्ड यू गाइज एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो यू नीड टू नो बिफोर कमिंग टू शेरिटन कॉलेज. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट लाइफ. सो शेरिटन की स्टूडेंट लाइफ बहुत अलग है. शेरिटन जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है, नो डाउट कैंपस इज प्रिटी एंड इट इज गुड, बट इसकी स्टूडेंट लाइफ थोड़ी अलग है. फिर असाइनमेंट्स लाइक स्टडीज इज द मेन थिंग हियर. या कंपेयर्ड टू द अदर कॉलेजेस शेरिटन इज स्ट्रिक्ट विद द स्टडीज. दे नीड लाइक दे फोकस मोर ऑन द स्टडीज. देयर आर स्पोर्ट्स एंड स्टफ बट या स्टडीज इज द इंपॉर्टेंट. एंड किसी भी सब्जेक्ट में बैक आती है तो $1800 और मोर आपको भरने ही पड़ेंगे. तो आई विल नॉट सजेस्ट कि हाँ अगर आप काम देख रहे हो और अपनी स्टडीज़ को पीछे कर रहे हो, शेरिटन कॉलेज में अगर आप आ रहे हो और आप स्टडीज़ को निग्लेक्ट कर रहे हो तो इट्स अ बिग लॉस फॉर यू गाइस बिकॉज़ इट्स रियली एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि जॉब मिलना भी कभी कभी मुश्किल हो सकता है. एंड अभी तो रिसेशन भी बहुत चल रहा है कनाडा में. तो द अदर थिंग इज द शेरिटन की मतलब डाइवर्सिटी आई बी ऑनेस्ट. HMC campus में diversity अच्छी है. Trafalgar का I have no idea actually. I've been with there once. The campus is good. People there like उधर locals दिखते हैं आपको. ऐसा नहीं कि हर जगह Indians हैं उधर, no doubt. But there are more diversity. But Davis campus में mainly आपको 80% आपको Indians ही दिख जाएंगे यहाँ पर. तो अगर आप चाहते हो कि हाँ को डाइवर्सिटी दिखे, सो आई सजेस्ट कि चूज़ HMC कैंपस और Trafalgar कैंपस. इट्स जस्ट कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है इन 8 months में शेरिटन कॉलेज में, हमने आपको वो चीज़ें बताई हैं. एंड बर्डन नहीं लेना यार किसी भी चीज़ का. एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, मज़े मारो चक्कर में भूल जाते हैं हम कनाडा में है. सबका होगा मतलब जो भी देख रहा है ना, सब किसी का तो ड्रीम होगा कि कनाडा जाना है. बट या मेरा भी था, बट भाग दौड़ में भूल जाते कि भाई वी आर स्टार्टिंग इन अ ड्रीम प्लेस. लाइक दैट इज द प्लेस वी ड्रीम्ड ऑफ. बट या एंजॉय कनाडा, इट्स ब्यूटीफुल ब्रो, आई टेल यू. और तो माने अलग भी तो वो पत्ते होते. So guys, that's pretty much it for this video. I hope you all liked it. And if you did, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the bell icon so that whenever I post a new video, you all get the notification for it. I'll see you all in my next video.